stay afloat is noisy. Be a person you don't want. Can somebody take me of the thing I'm going to do? Going to do. Where is the life I? Where's my shy? Is this called living? Munshiyari mein. और अभी हम थोड़ा सा तैयार व्यार होके कुछ कपड़े वपड़े लेने जा रहे हैं मार्केट में, उसके बाद हम दो तीन जगह घूमने वूमने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। चलिए तो अभी हम यहाँ पे अंकल जी की दुकान में बैठे हैं चाय पीने के लिए, और अंकल जी ने हमें चाय दी। यहाँ पे आप केतली भी रखते हो, बच्चे पानी पीते हैं। तो हमने चाय और ऑमलेट, बन ऑमलेट खा लिया यहाँ पे, ये दुकान है। यहाँ पे इन्होंने आने जाने वाले लोगों के लिए पानी की केतली, गर्म पानी प्रोवाइड करते हैं। और ये देखिए, यहाँ से आगे दिखाते हैं आपको। पीछे तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, पीछे से मुंशियारी मार्केट, और ये पूरा आधे पहाड़ पे नीचे तक पूरा मार्केट है, मुंशियारी मार्केट। ऊपर खलिया टॉप है, वो ऊपर, वो उधर ऊपर खलिया टॉप है। देखते हैं अगर शायद अगर कल जा सकेंगे तो वहाँ जाएंगे। और ऊपर आपको खलिया टॉप दिखाया अभी, और यहाँ से आप ये देखिए, इधर पूरा पंचचुली हिमालय दिखता है। यहाँ से पंचचुली, वो पंचचुली हिमालय रेंज पूरी दिखती है यहाँ से एकदम। ये पूरा यहाँ से हिमालय, इसके पीछे सारा हिमालय स्टार्ट हो जा रहा है इधर से। ये देखो दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। हेलो हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? मयंक भंडारी। आपका व्हाट्स योर नेम? कुनकुन, कुमकुम, लवली नेम, लवली नेम। आपका नाम क्या है? सचिन। तेंदुलकर बनना फिर बाबा। चलो हाथ हिला दो इधर। ये देखिए, ये मुंशियारी का फुटबॉल ग्राउंड है, बहुत ही प्यारा वो है, फुटबॉल ग्राउंड है एकदम हिमालय के एकदम ठीक सामने। और यहाँ क्रिकेट, वो फुटबॉल मैच होते हैं, यहाँ पे टूर्नामेंट्स भी होते हैं। शायद मई जून में बता रहे थे टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पे फुटबॉल के। आसपास के सारे गाँव की टीमें या शहरों से भी आती है टीमें, और यहाँ पे क्रिकेट, वो क्रिकेट बोल रहा हूँ बार बार, फुटबॉल मैच होता है। देखिए यहाँ से दिख रहा है पूरा एकदम हिमालय की चोटियों के सामने मैच होता है। क्या बढ़िया मैच होता होगा, सोचो आप कितना मज़ा आता होगा देखने में। मज़ा आ गया भाई देख के, फुटबॉल ग्राउंड देख के मज़ा आ गया। अगर मैच चल रहा होता तो बात ही क्या थी। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। आपको अगर रुकना है ऐसे चीप, इतना महंगे रेट भी नहीं है, ठीक है। मार्केट भी बहुत बड़ा है, घूमने की जगह इधर थोड़ी बहुत दूर दूर है, लेकिन टैक्सी वैक्सी हो ही जाता है। अब ये देखिए, यहाँ से मटकोट है 22 किलोमीटर और मुंशियारी है 0। मटकोट इस तरफ पड़ता है कहीं, नीचे से गाड़ी घूम के उस साइड जाएगी, और उधर टेम्पल्स है एक साइड, वहाँ पे फेमस टेम्पल भी है, और वहाँ से फिर ट्रैक चालू होते हैं ऊपर ये पंचाचुली के लिए जाने के लिए। तो अभी तो हम नहीं जा पाएंगे उधर, क्योंकि बता रहे कि मौसम ज़्यादा ही ख़राब है ऊपर जाने के लिए। 12-12 फीट की बर्फ़ है रास्ते में ट्रैकिंग की, तो वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्राई करेंगे, पता करते हैं किसी गाइड वाइड से अगर कुछ जुगाड़ हो सकता है तो। तो यहाँ पर अभी हमें गिद्ध दिखे, हिमालयन वल्चर, ये देखिए आप, ये देखिए ये बैठे हुए कितने बड़े बड़े, ये देखिए ये उठ रहे हैं। कितने सारे गिद्ध घूम रहे हैं, ये देखो कितना सामने आ गया। कितने सारे गिद्ध वहां देख, हिमालय में ये पूरी रेंज में घूमते हो गए यहाँ पे ना। ये हमारे ऊपर से आ रहा है।
ये देखिए वाला कैसे चल रहा है, ये वाला एक उड़ गया। बांधा भाई, अरे काटे रखे हैं इसके लिए, अरे काटे रखे हैं। ओए कुत्ता, पर कुत्ता आ, आ जा तो आ जा। कैमला भी चाटेगा, कैमला भी चाटेगा, कैमला भी चाटेगा, कैमला चाटेगा। जाओ उसके साथ चलो। ये चलते चलते हमको यहाँ पे जोहर महिला बुनकर स्वास सहायता की एक वो मिली है। पहले वो थी सस्ता, मतलब एनजीओ के थ्रू चल रहा था ये। तीन साल का प्रोजेक्ट आता था, तो उसके मार्फत चलता था। उसके बाद हमारी कोऑपरेटिव बन गई 2009 में, हमारी कोऑपरेटिव बन गई थी। उसके बाद ये जब हम अपना ही मतलब पर्सनल काम शुरू किया। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या क्या आप यही स्वेटर वेटर बना रहे थे? हाँ मतलब पहले तो हम लोग अंगोरा की सारी चीज़ें रखते थे, आजकल थोड़ा हर चीज़ वो भी नहीं, तो ये ऊन वगैरह भी रखते थे ना, ये क्या है भेड़ का ऊन, अंगोरा ऊन, महिलाओं का। हाँ हाँ, समूह है हम लोग, पाँच समूह बना रखे थे हम लोगों ने पहले, वो सब समूह एक मिल के अभी कोऑपरेटिव हो गए। अच्छा, और ये बिकता है? अच्छा, सही बिक रहा है, सही चल रहा है, कोऑपरेटिव सही चलता है, अच्छा चल रहा है। हाँ अच्छी चलती है, ठीक ही चलता है अभी फिलहाल। अब तो सब जगह रखने लग गए माल, अब हम लोग को राजमा आजमा सब रहता था यहाँ पहले, आजकल महंगा हो गया ना राजमा थोड़ा। अच्छा अच्छा, राजमा भी रखते थे आप? हाँ। तो ये आप फिर बाहर भी भेजते हो? हाँ, मेलों में जाते हैं, मेलों में जैसे ही लगते हैं। हाँ, जैसे ये यहीं की भेड़ के हैं मतलब? ना ना, भेड़ की। कैसे? ये कैसलोंग की। कैसलोंग मतलब बाजार की उनकी। अच्छा, तो वैसे है कुछ आप बुने होंगे जो आपने यहाँ के उनकी? हाँ हाँ हाँ, यहाँ के उनका तो खाली एक पंखी होती है। पंखी क्या होता है? शॉल जैसा ना। अच्छा, दिखाना। ये गर्म होता होगा तो बहुत? ये तो बहुत गर्म होता है, भक्ति के उनका ये। अच्छा, ये दिखाना है जैसे। ओ भाई, ये तो बहुत, ये तो बड़ा भी बहुत है जी। ये उड़ने के लिए जैसे सफर अफर में ना। अच्छा अच्छा, पूरा अच्छे से वैसे भी ले सकते हैं सोते टाइम भी? हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा है। अरे कितने का पड़ेगा आंटी जी? ये 1600 का। 1600 का। और छोटे शॉल, स्कार्फ, मफलर टाइप का? स्कार्फ तो नहीं होंगे, अंगोरा टोपी होगी। दिखाना कैसे टोपी? वो भी भाई ऊन की? ना ना, ये उसकी बेबी की ऊन की। छोटे बच्चे के लिए होगा? 8-9 महीने की बच्ची ये होगा मुझे लग रहा है। बंद हो गया, चल रहा है भाई। अच्छा, ये मुझे लग रहा है आ जाएगा। कौन सा? ये 8-9 महीने बच्चे ऐसे दे दो, कोई बात नहीं, पॉलिथिन। यहाँ बुक्स भी रखी हुई है, काइंडली गिव योर फीडबैक। ये फीडबैक के लिए बोल रहे हैं, और ये सब फीडबैक्स हैं यहाँ पे। Awesome noodles, I love it. Gonna miss this place. Love. ये सब इनके फीडबैक्स हैं। फीडबैक बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। यहाँ से व्यू देखो आप।
सबसे बेस्ट मोमोज मिलते हैं यहाँ पे पूरे मुंशियारी में। तो अभी यहाँ पे हम ये मोमोज आ भी चुके हैं, अभी मोमोज खाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे चाय पिएंगे और फिर आपको बताते कैसे होते हैं मोमोज खाते। नॉनवेज है ना, स्टफिंग इतनी बेटर है, अच्छा हो यार, चीज़ तो अच्छी है। चाय भी आ चुकी है, चाय और मोमोज कॉम्बिनेशन एकदम अलग है चाय मोमोज का, लेकिन यहाँ चल रहा है तो चाय के। और अभी हम देख रहे हैं कुछ और भी मंगाए इसमें से। हमें यहाँ पे खाना खाते खाते हमें एक सर मिले, इनका नाम क्या सर? मनोज सिंह मर्तोलिया। और ये साहब गाने लिखते भी और गाने बनाते भी गढ़वाली। कब से कर रहे हो आप गाना, कब से बना रहे हो साहब? गाना मेरे को हो गया करीबन, वैसे मैं बचपन से शौक था मुझे गाने का जी। और स्कूल इंटर कॉलेज में मैं जो है तब से मैं गाना गाता हूँ, जब मैं हाई स्कूल जूनियर में पढ़ता था सेवन टू एट में, तब से शौक था। लेकिन रिकॉर्डिंग वाला काम जो है मैंने आज ही में शुरू कर रखा है, मतलब 7 या 8 महीने। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे आपने वो चुनाव प्रचार में किन चुनाव प्रचार में हमने विधायक जी हमारे क्षेत्र के धारचुला मुंशियारी के जो है हरीश धामी जी, श्री हरीश धामी जी, उनकी उनके प्रचार का एक गाना बनाया था मैंने जी। वो गाने के बोल है, उठो रे जागो सुनो रे लोगो, तुमको ये बतूंगा छा मिलजुली बे हम सब बोले हरदा के जी तुम। अरे वाह, ये बनाया। लाइन भी अच्छी है, लाइन भी बहुत अच्छी है। और तो अब आप YouTube चैनल में डालते हैं? चैनल है मेरा मनोज मर्तोलिया करके। हाँ, तो इनका YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गाने सुनिए, बहुत अच्छे गाने भी बजा रहे थे हम, गाने चल रहे थे। अभी 1 तारीख को मेरा एक गाना रिलीज होने वाला है, वो क्या भलो मनीषा दाजू मेर ज्वारा मुंशियारा करके। अरे रे वाह, तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका प्यार जो है हमेशा यूं ही बना रहे।